हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टेक्नो ऑफर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी लोगों के लिए गूगल ड्यू एप्लीकेशन का किस तरीके से आप यहां पे स्केच कार्ड ले सकते हैं उसका मैं वीडियो लेकर आया हूं। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं आप यहां पे किस तरीके से स्केच कार्ड को ले सकते हैं, किस तरीके से आपको आईडी बनाना है, किस तरीके से आप यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्केच कार्ड ले सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा यहां पे किस तरीके से आप 30 स्केच कार्ड जो है ले सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो वीडियो रहेगा अनलिमिटेड स्केच कार्ड के, किस तरीके से आप ओटीपी बाईपास करके जो है अनलिमिटेड स्केच कार्ड ले सकते हैं। अगर ये सारा ऑफर के बारे में जानना है तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। मैं आपको बताने वाला हूं और दिखाने भी वाला हूं कि आप यहां पे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से स्केच कार्ड लेंगे। और बहुत सारे कल के वीडियो में कमेंट आए थे कि भाई मुझे स्केच कार्ड नहीं मिला, मुझे स्केच कार्ड नहीं मिला, किस तरीके से हमें स्केच मतलब ये ऑफर जो है इसको क्लेम करना है और किस तरीके से हमारा को स्केच कार्ड मिलेगा, हम उसको स्केच करके जो है अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हैं, तो सारा का सारा ऑफर बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वीडियो के सामने दिए गए रेड कलर के बटन को आपको प्रेस कर देना है। यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको वीडियो के सामने दिए गए रेड कलर के बटन को आपको यहां पे इस तरीके से आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, यहां पर आपको क्लिक कर देना है और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी क्लिक कर देना है ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे पहले तो हम आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बता देते हैं। आपको हम चलते हैं पेटीएम एप्लीकेशन में, और पेटीएम एप्लीकेशन में जाने के बाद दोस्तों हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं मेरे फिलहाल अभी पेटीएम वॉलेट में कितने रुपए हैं। तो आइए हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है एंड ओपन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे आपको पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे पासबुक के ऑप्शन में चले आएंगे। जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख लिए 249 रुपीज़ है। अब दोस्तों चलिए अब दूसरा पेटीएम अकाउंट को मैं दिखा देता हूँ। इन दोनों में किसी ना किसी पेटीएम अकाउंट में जो पैसे आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर आप ये नंबर 6 वाला पेटीएम अकाउंट है तो हम इसे ओपन करते हैं। एंड दोस्तों इसको ओपन करने के बाद दोस्तों हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि मेरे वॉलेट में कितने रुपए। तो हम यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, पासबुक में जाऊंगा एंड पासबुक में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे 143 रुपीज़ है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं, हम आप किस तरीके से कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरीके से आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। तो दोस्तों वो एप्लीकेशन पुराना है और आज ही के दिन अपडेट आया है जहां पर आपको मिलने वाला है 20 रुपया पर डे पेटीएम कैश। जी हाँ दोस्तों, उस एप्लीकेशन का नाम है स्कॉपर। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सुपर या स्कॉपर जो भी एप्लीकेशन का नाम है आप ये देख पा रहे हैं, तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको फटाफट से जाना है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, या फिर आप अनभट्टा से रजिस्टर कर लेना। अगर हो सकेगा तो मैं आपको एक पुराना वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें मैं बताया हुआ हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है एंड किस तरीके से जो है काम करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूं यहां पर आपको किस तरीके से रेफरल प्रोग्राम करना है। यहां पर आपको देख रहे होंगे कि यहां पे एक बोरा का ऑप्शन है, तो आपको इस बोरे के ऑप्शन में क्लिक करना है। बोरे के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आप किसी फ्रेंड को रेफर करते हो यहाँ से आपको अपना लिंक ले लेना है। अगर आप किसी फ्रेंड को रेफर करते हो वो आपके लिंक से डाउनलोड करता है तो आपको 10 रुपये का जो है यहाँ पे पेटीएम कैश मिलेगा। यानी कि दोस्तों अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको 5 रुपये साइन अप बोनस मिलेगा। अगर आपको दो फ्रेंड को रेफर करोगे तो आप यहाँ पे 20 रुपये बन जाएंगे और 20 रुपये को आप डायरेक्ट अपने पेटीएम वॉलेट में एक सेकंड के अंदर जो है रिडीम कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से आपको रिडीम करना है। दोस्तों आप अभी फिलहाल मेरे वॉलेट में देख सकते हैं तो 860 रुपये है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आया हुआ पेटीएम का, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहले यहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन था, अगर आप ओल्ड यूजर हो, अगर आप मैंने लिंक से डाउनलोड किए हुए हो तो यहाँ पे पहले एक रिचार्ज का ऑप्शन था, अब यहाँ पे पेटीएम का ऑप्शन आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, दोस्तों यहाँ पे जो पर डे आप यहाँ पे 20 रुपये निकाल सकते हैं और महीने में जो है 500 रुपये का जो है पेटीएम कैश निकाल सकते हैं। तो डेली का डेली जो है आपको 20 रुपये का मिलेगा, यानी कि आपको 20 से 25 दिन आप रेगुलर अगर करेंगे तो आपको यहाँ पे 500 रुपये आसानी से जो है निकल जाएगा। अब यहाँ पे पेटीएम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे ये वाला नंबर में है 7980294968। हम यहाँ पे 20 रुपये अमाउंट डालेंगे, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे रिडीम करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे अकाउंट पे जो है पैसे आ गए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पेमेंट आया है या नहीं आया। तो हम नंबर 6 वाले पेटीएम एप्लीकेशन में जाएंगे और जाने के बाद दोस्तों हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे जो है पैसे मिलेंगे, मिला भी है या नहीं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे पासबुक के ऑप्शन में जाता हूँ। जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे 149 हो गया, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 63 हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करते हैं, नीचे करने के बाद दोस्तों हम आपको यहाँ पे पेमेंट दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे मुझे 20 रुपये मिला, अभी इंस्टेंट मिला है मुझे। आप यहाँ पे फटाफट से जाके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, ये एप्लीकेशन अभी बहुत ही ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा दे रही है। आप सभी लोग इस एप्लीकेशन को जाके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लूट लो, तो फटाफट से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फर्स्ट
लिंक होगा, जाके जितना ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन को लूटना है लूट लेना। अब बात कर लेते हैं गूगल ड्यू के स्क्रैच कार्ड के बारे में। तो दोस्तों देखो, अगर आपके पास MI का फ़ोन है और अगर आपके पास MI का फ़ोन नहीं है, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको गूगल ड्यू अपने फ़ोन में सर्च करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, आपके गूगल ड्यू सर्च करना है। मान लीजिए अगर आपके गूगल ड्यू एप्लीकेशन है, ठीक है ना, तो ये मैं मतलब ओल्ड यूज़र के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ओल्ड यूज़र वाले सुन लो, कि अभी तो ओल्ड यूज़र का मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आपने इसके पहला जो ऑफ़र आया था, जहाँ पर आप टैक्स नाउ या फिर सेकंड लाइन एप्लीकेशन के थ्रू से डाउनलोड कर रहे थे और स्क्रैच कार्ड कमा रहे थे, उसके लिए मैं ऑफ़र नहीं बता रहा हूँ। और उसके लिए जो है मैं अगला वीडियो एक बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ऑफ़र नहीं है, ये नए यूज़र के लिए है। ये ऑफ़र आपको कैसे क्लेम करना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक नया मोबाइल नंबर लेना होगा, मतलब मोबाइल नंबर एक नया लेना होगा पूरा। उसके बाद एक मोबाइल लेना होगा, वो भी न्यू, ठीक है ना। एकदम मान लो कि वह न्यू रहे, उसमें कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ही ना रहे, एकदम समझ लो जैसे कि हम दुकान से खरीद के लेकर आते हैं जो मोबाइल, वो एकदम न्यू रहता है एकदम, उस तरीके से आपको मोबाइल लेना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको उसमें करना क्या होगा, उसमें आप चेक करना है कि उसमें गूगल ड्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल है या नहीं। तो आपको यहाँ पे ड्यू एप्लीकेशन देखना है। अगर बाय चांस अगर ड्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल है, तो आपको ये करना होगा कि आपको सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। अगर आपके पास MI का फोन है, 101% मैं आपको गारंटी देता हूं गूगल ड्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा। तो आपको यहां पे सेटिंग में जाने के बाद इंस्टॉल एप्स में क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पर आपको ड्यू एप्लीकेशन को सर्च करना है, यानी कि आप यहां पे देखिए, यहां पे ड्यू एप्लीकेशन को सर्च करना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे क्लियर डाटा के नीचे यहां पे देख पा रहे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लियर चेक चीज एंड यहां पे एक और ऑप्शन आएगा क्लियर डाटा। तो यहां पर आपको ये दोनों ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब दोस्तों ये अगर आपका काम हो गया है, तो अब दोस्तों आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको प्ले स्टोर में जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ड्यू सर्च करना है, और जैसे आप सर्च करोगे तो दोस्तों आपके सामने में अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको अपडेट के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने अपडेट कर लिया है, जैसे दोस्तों मान लो आपका यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब दोस्तों अपडेट होने के बाद दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना है, भूल से भी आपको इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना, नहीं तो आपका सारा ट्रिक जो है बेकार हो जाएगा, यानी कि आपका जो स्क्रैच कार्ड था वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं किसी का वीडियो कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब दोस्तों मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। चलिए हम लिंक को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपने वो वाले लिंक को जो है देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपको एक ऑफर का पेज दिया हुआ, यानी कि इनवाइट लिंक का मतलब मैंने यहाँ पे इनवाइट का जहाँ पे स्क्रैच कार्ड मिलेगा उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना, इसके थ्रू से ही आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आना है। अब दोस्तों अब मैं बता दे रहा हूँ, जिनका MI फ़ोन नहीं है, तो सबसे पहले आपको भी सर्च करना है उसमें गूगल ड्यू एप्लीकेशन है या नहीं। तो अगर बाय चांस आपके गूगल ड्यू एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं रहता है, तो आपको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है, और आपको भी मतलब जो है एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना है भूल से भी, ठीक है ना, ये आपको बात ध्यान में रहे, आप भूल से भी ओपन नहीं करिएगा उस एप्लीकेशन को, मतलब गूगल ड्यू को। आप लोगों को भी ये वाले पेज में आना होगा, मैंने सेकेंड लिंक दिया हुआ है गूगल ड्यू का, ये इस ऑफर पेज का। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, अब दोस्तों आपको यहां पर रिडीम रिवॉर्ड का ऑप्शन है, दोनों के लिए MI यूजर के लिए भी बता रहा हूं और नॉन MI यूजर के लिए भी बता रहा हूं। तो आपको यहां पर करना क्या होगा, यहां पर रिडीम रिवॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप रिडीम रिवॉर्ड के ऑप्शन में क्लिक करोगे, तो दोस्तों यहां पर गूगल ड्यू एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या होगा, एग्री के ऑप्शन में क्लिक करना है, और यहाँ पे गिव एक्सेस में दे देता हूँ, तो यहाँ पे सारा परमिशन मांग रहा है, तो सारा परमिशन दे देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जो है बोलेगा कि आपको यहाँ पे योर फोन नंबर, तो आपको नया फोन नंबर देना है। जी हाँ दोस्तों, जो अभी तलक गूगल ड्यू में रजिस्टर्ड ही ना हुआ हो,
ठीक है ना। तो कोई ऐसा देखिएगा बंदे को जो कि एकदम छोटा मोबाइल चलाए, जैसे नोकिया 6600 उस टाइप का मोबाइल चलाए, जिसके पास एंड्रॉयड फोन नहीं, तो उस टाइप के मोबाइल में नंबर होगा तो वो नंबर आप ले लीजिएगा। सिंपल सा है, नंबर सिर्फ आपको चाहिए, तो आपको नंबर लेने लेना होगा। और नंबर लेने के बाद दोस्तों दोबारा से हम ये इसको जो है क्लियर कर देना है, ठीक है ना। ये जब नंबर का ऑप्शन आ जाएगा तो आपको दोबारा से क्लियर करने के बाद दोबारा से रिडीम रिवॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब रिडीम रिवॉर्ड के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से ये नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये ऑफर सिर्फ इंडिया के लिए वैलिड है, अनदर जो कंट्री है उसके लिए वैलिड नहीं है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर देना है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर नया मोबाइल नंबर दे देता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मेरा फ्रेंड का नंबर है, और दोस्तों मैं इसमें गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि ये मुझे लग रहा है पुराना नंबर है, मैंने ऑलरेडी एक बार कर चुका है, तो फिलहाल एक बार ट्राई करने में किया जाता। तो आपको यहाँ पे कंफर्म होना है वो न्यू नंबर है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, तो OTP आपको यहाँ पे जो है फिलअप कर देना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा OTP का इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ पे OTP आ चुका है, तो हम OTP जो है दे देते हैं। तो हम यहाँ पे OTP दे दे रहे हैं, यहाँ पे 58 ये OTP हमने दिया, ये टिक के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिसमिस का, ठीक है, या फिर परमिशन मांगे तो परमिशन आपको सारा का सारा दे दीजिएगा। अब देने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन आ चुका है, ठीक है, देख लीजिए दोस्तों आपके सामने में ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन आ चुका है, यानी कि ये मेरा था। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है ना। अब आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोबारा से आपको नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको गूगल का आईडी देना है। जी हाँ दोस्तों, तो हम यहाँ पे अपना टेक टेक्नो ऑफर का डाल देते हैं, ये मेरा गूगल का आईडी है, तो हम यहाँ पे कोई एक डाल देते हैं, यही डाल देते हैं, या फिर चलिए ये वाला डाल देते हैं, सॉरी ये एग्री मैंने किया वहाँ पे एक बार। और नेक्स्ट के ऑप्शन में फिर से मैं क्लिक करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद दोबारा से यहाँ पे बोलेगा प्लीज वेट विल बी प्रोसेस योर रिवॉर्ड, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है, ठीक है ना। बहुत जल्दी यहाँ पे देखिए रिवॉर्ड नॉट अवेलेबल, और यहाँ पे दिस प्राइस एक्सपायर्ड रिडीम, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिसमिस का ऑप्शन आ गया। दोबारा से हम यहाँ पे दोबारा से जो है आपको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको ही मैं क्लिक कर देता हूँ, चलिए, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे फिर से एग्री के ऑप्शन में क्लिक करूंगा, यहाँ पे बता रहा है डिसमिस डिसमिस, तो हम यहाँ पे फिर से थ्री ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें जो है रिवॉर्ड मिला है या नहीं मिला है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे कभी कभी बताएगा, लेकिन मैं ये कन्फर्म था कि ये जो है मेरा ओल्ड नंबर था, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कंफर्म होना पड़ेगा कि आपका ओल्ड नंबर है या न्यू नंबर है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कभी आपने मतलब अपना गूगल ड्यू का जो है दूसरा कोई नंबर दे दिया हो, ठीक है ना, तो ये आपको बाद में मतलब ध्यान में रखना है कि आपको जो है एकदम नया फ्रेश नंबर डालना होगा। तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं दोनों ही गूगल आईडी पे। तो हम यहाँ पे गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर लिए हैं। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड बोल रहा, तो हम पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड देने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद रिवॉर्ड के ऑप्शन में जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मुझे अभी कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला है, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए हम दूसरे फ़ोन में जाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि रिवॉर्ड इसमें नहीं मिला है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस मोबाइल फ़ोन से जो है रिवॉर्ड ले लिया है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ध्यान है क्योंकि जब पुराना ऑफर आया था उसमें जो है मैंने इससे जो है रिवॉर्ड ले लिया था। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैंने बोला है बस वैसे वैसे आपको फॉलो करना होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप नया गूगल आईडी का मतलब ईमेल आईडी को सिलेक्ट करें, ठीक है ना, क्योंकि रिस्क लेना बेकार है, आपको पैसा भी मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो दोनों ही चीज़ आपके साथ जो है हो सकता है। तो आप लोग जो है यहाँ पे आसानी से जो है इस तरीके से जो है पैसे जो है इनकम कर सकते हो। तो फटाफट से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको इसी तरीके से सारा का सारा फॉलो करना है। और कल ही या फिर शाम को ही मैं इसका अनलिमिटेड ट्रिक लेकर आऊँगा, बहुत सारे नंबर लेकर आऊँगा जिसके माध्यम से आप यहाँ पे अनलिमिटेड जो है आप यहाँ पे स्क्रैच कार्ड कमा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाओ यार, फटाफट से जाकर सब्सक्राइब और यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।